कोई वन डेथ हो गई है, इट इज सच अ सेंसेशनल थिंग, बसें जल जाती ये जाती, इसलिए अवॉइडेबल और ये चला गया. लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ही नहीं हमारी, कितने लोग डेथ हो रहे हैं, इट इज अवॉइडेबल एंड आई विल शो हाउ इट इज अवॉइडेबल. तो वी वॉन्टेड टू डू दिस थिंग बिफोर, बट देन वी थॉट कि हमने पहले खुद तो करके देखें कि इसमें हम बिना, यानी अब बार बार हम कहते हैं फंड की क्रंच है, इसकी क्रंच है, उसकी क्रंच है, तो देर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन डू इवन विदाउट फंड्स बाय एप्लीकेशन एंड माइंड एंड सिंसियर एंड डेडिकेशन ऑफ वर्क. तो वो बेसिकली हमने ना ये इसमें लाया था. सो बेसिकली ये जो दिखा रहा हूँ मैं इसमें रोड सेफ्टी सिनेरियो इन पंजाब, बेसिकली हमने क्या किया था, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड टुगेदर वी कैन, ये हमारा मोटो था. 2016 से ब्रीफली मैं इसमें टच करूंगा. ये जैसे ये कटिंग दिखा रहे हैं कि इन द रीजन मोस्ट एक्सीडेंट रिपोर्टेड इन हरियाणा बट पंजाब टॉप्स द फर्टिलिटी रिस्क. दिस वॉज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी अपॉइंट की थी, तो दे फाउंड आउट कि रोड वाई द एक सम डॉक्टर फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम साउथ कोयम्बटूर, ही हैड ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने PIL डाली थी आई थिंक 2014 में कि वाई नो नोबडी इज टेकिंग एन इंटरेस्ट इन रोड डेथ्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी जस्टिस राधाकृष्णन की, इट वॉज मॉनिटरिंग. सो 2016 में पंजाब वॉज द वर्स्ट इन द सेंस द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ डेथ रेट्स उस समय 2016 में. वी वर टो बस फिर वही डाटा कलेक्ट करके इतने मरे ऊपर आके, आई मीन दोज आर जस्ट फिगर्स, इतने मरे नोबडी इज बॉदर्ड कौन मरा क्यों मर रहा है. अब इसमें 3 E's रोड सेफ्टी के 3 E's तो सबने पढ़े होंगे, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग. हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एंगेजमेंट भी डाला इस बार, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारा चल रहा है, जैसे ई चलानिंग हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गया, ये तो अभी वी आर जस्ट इन द इन्फेंसी स्टेट. जो एंगेजमेंट है, जैसे वी आर एंगेजिंग विथ यू, प्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जागरूकता फैला सकती है, एंड NGOs एंड एवरीथिंग, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. एंगेजमेंट का मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे उसका यूज़ हुआ. हमने 400 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे और PWD के हिसाब से उनके मदद लेके, एंड बेसिकली देखिए रोड सेफ्टी काउंसिल भी है, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीज भी बनी है, बट एक्चुअली दे हैव टू फंक्शन, समबडी हैज़ टू गिव देम डायरेक्शंस. हमने नीचे जाके इनको पूछा, तुम्हारी रोड सेफ्टी कमिटीज अगर तुम्हारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, DC से बात करो, वो अपने इंजीनियर को बुलाएंगे, टेल देम. रूटीन में ऐसे नहीं होता, आई मीन एवरीबडी नोज कि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा. 1 year वी टुक ऑल इंटरेस्ट, भैया आप अपने जाओ रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग करो और उनसे बोलो कि ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, एंड ऊपर एवरीबडी इज हेल्पफुल. व्हेन यू टॉक टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD दे आर वेरी हेल्पफुल, बट नीचे जाके सम हाउ इट इज लॉस्ट, इन द सेंस पीपल हैव देयर ओन प्रायोरिटीज कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी तो सबसे कम ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है. फिर हमने जितना डाटा आया था उसको हमने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच किया. व्हाट वी डिड इज यूजली सारे फिगर्स आ जाते हैं, आप मीटिंग लो इसको कम करो, हमने उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालाइज किया, टाइम वाइज एनालाइज किया, मंथ वाइज एनालाइज किया, हर डिस्ट्रिक्ट को बुला के और उनकी जोनिंग की कि भैया तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे किसी के यहाँ जनवरी में ज़्यादा डेथ होती थी, किसी के यहाँ फरवरी में ज़्यादा डेथ होती थी, किसी के यहाँ एक जगह ज़्यादा होती थी. तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच करके हमने उसको एनालाइज किया और ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, हेलमेट, सीट बेल्ट इन्फोर्समेंट, ये सारा कुछ किया. यानी 2016 से लेके एग्जैक्ट फिगर्स आई डोंट हैव, बट लेट मी टेल यू, एक तो लाइसेंसिंग हुआ विदाउट लाइसेंस, लाइक उसको मुझे मोटा मोटा याद है 80,000 थे विदाउट लाइसेंस चलान, उसको 1.5 लाख कर दिया 2017 में. इसी तरह सीट बेल्ट का था, वो भी अराउंड 50,000 था, उसको भी हमने 1 लाख ले लिया. मोबाइल फोन यूजेज यूजली कोई करता ही नहीं था, उसको ऑलमोस्ट डबल उसका भी कर दिया, वो भी 2 लाख चलान हमने काटे. हाँ 17 की, यानी एवरीथिंग वॉज डबल, हमने हर चीज डबल कर दी. मोबाइल फोन जो एप्लिक करते जिससे हमें लगता था कि ये एक्सीडेंट्स होते हैं, और ना कई बार लोग पूछते हैं कि चलान जितने अगर आप डबल कर दोगे तो डेथ रेट हाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. अगर आप किसी चीज़ को साइंटिफिक एनालिसिस करो तो डिटरेंट इफेक्ट होता है. चंडीगढ़ इज़ वन एग्जांपल. अगर आपको पता है कि अब मैं कहीं जा रहा हूँ और इस टाइप की चलानिंग आजकल बढ़ गई है, तो यू ऑटोमेटिकली कंट्रोल योर ड्राइविंग बिहेवियर एंड योर स्पीड बिहेवियर, या जिस तरह आप रोड में बिहेव करते हो वो आप धीरे धीरे चेंज करते हो. ये हमने सारा आपको बता दिया. एक हमने एक इनकी ट्रैफिक एडवाइज़र के ऑफिस में हमने लैबोरेटरी खोली, इनके पास इंटर्न्स भी थे जो सारा डाटा वाइज, एंड लेट मी टेल यू अप्रिशिएट हिज वर्क ऑल्सो, हमने जो है वो इंक्रीज किए. मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट फिगर्स तो आई डोंट हैव, लेकिन हमने सारे डबल कर दिए जो क्रिटिकल थे. हमने कहा जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट पोल्यूशन, इस पर कम दे के जिससे डेथ रेट डिक्रीज होती, सीट बेल्ट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, हेलमेट हो गया, एंड ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एंड ऑफ कोर्स ड्रंकन ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग. ये 6 चीज़ों पर ध्यान देखें, इनके फिगर्स हमने डबल किए और दूसरों के फिगर्स पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा. और अमाउंट नहीं, केसेस नहीं, चलान वाज अराउंड 5,000 के करीब थे दोनों ही,
ओवर स्पीडिंग एंड ड्रंकन ड्राइविंग के, हाँ ओनली ड्रंक, उसमें एक प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बाद में बताता हूँ, वेरी सीवियर ऑफेंस मतलब उसको पूरा। और दूसरी बात है, वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द गवर्नमेंट कि वी लैक, वी नीड मोर इक्विपमेंट्स फॉर दैट, बिकॉज आप किसी भी इंसान को खड़ा करके सीट बेल्ट और मोबाइल फोन के लिए चलान कर सकते हो, बट यू नीड टू हैव एल्कोमीटर्स एंड स्पीड रडार गन्स अगर आपको ये करना है, बिकॉज इट कैन बी चलान इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो। एल्कोमीटर्स करीब हमारे पास 615 या 617 है, और स्पीड गन्स हैं अराउंड 67 है। बट दिस टाइम जैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, हमारा रोड सेफ्टी फंड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो उसमें जब मनी आएगा तो वी विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट अराउंड 15-20 crores, हाफ ऑफ द चलान मनी इन टू द रोड सेफ्टी फंड। तो उसकी सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी टू गो इन फॉर इंटरसेप्टर व्हीकल्स एंड फॉर एल्कोमीटर्स। And abhi on, now onward, whatever money is collected through a challan, 50% will be dedicatedly used for the road safety. So, aapne jo electronics wala sir ne jaise bataya ki 5 E's mein humne bataya tha, to usme ek engagement aur electronic component jo joda hai, ki that's how we are like digitalizing this the whole scenario ki, so that we can speed up. Ab jaise hum isme jayenge, we'll go in for each learning. Ab each learning ka fayda hi hota hai, jaise aap sabko pata hoga ki agar aapne driving license, sabse zyada badi penalty kya hoti hai, driving license kisi ka cancel kar do. उसके लिए यू नीड टू हैव अ लॉ कि आपने 4 बार वायलेशन किया, तो हमारे पास रिकॉर्ड तो होता नहीं कितनी बार किया है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक चलानिंग शुरू कर दोगे तो उसमें देर इज एन ऐप लिखा होता है, किसी भी गाड़ी का नंबर टाइप कर दोगे सारा आ जाएगा कि ये चोरी की है, कब है, इसके क्या रिकॉर्ड्स हैं, कैसे हैं, इसके क्या टैक्स ड्यू है, क्या इसके लाइसेंस है कि नहीं है, और साथ ही में ड्राइवर का आ जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के सारा कुछ आ जाएगा। नहीं नहीं ये तो इम्प्लीमेंट तो जितनी है हमारे पास मशीन्स उससे तो हम कर ही रहे हैं, बट वी नीड मोर ऑफ देम, क्योंकि जब तक डाटा नहीं, वो सारथी जो है वो रजिस्ट्रेशन है, सारथी को यूज करके चलाना, उसको यूज करना ना, जैसे इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, बट आपके पास वो ई चलानिंग का सिस्टम होना चाहिए ना, वो जब वो आपके पास गैजेट्स होंगे तभी आप उसको अपलोड डाउनलोड करोगे उसमें और फिर देन डनली यूज इट। क्योंकि अब क्या है, आप अगर पंजाब का अगर सारा रिकॉर्ड आपने मैनुअली भी मेंटेन कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल है, वो हरियाणा में जाके उसका चलान हो जाएगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अनलेस अंटिल एवरीबॉडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, फॉरेन कंट्रीज इसमें तो होता है, बिकॉज वो कोई भी करेगा उसका सारा कंपाउंड अपने आप होता जाता है। ये तो वैसे ही मैंने कुछ फोटोज दिखाई हैं जो हमने पीडब्ल्यूडीज के साथ मिलके ना, जो ब्लैक स्पॉट्स था उसको कैसे हमने, जो पहले कैसे था कन्वर्जिंग होती थी वो सारा, ये जो लास्ट वीक यार नाइट विजन हमने कई जगह लगाए, यानी ये देख लीजिए कि जैसे पहले ऐसा था, फिर रात को भी। So it comes out to be 22 camps daily. So almost her district mein roj ek camp lag raha hai, which is the record in itself. Sir, to Punjab mein aapne aisa adopt kiya, heavy chalan speed, drunken driving, aur kya hoga, court mein jaake unko sara din khada rakha jata hai, aur penalty bhi zyada hai, alcohol wale, that is what we are coming. Once we'll done that, we have a, aapko hum uska bata denge ki what we are doing here. हम उससे भी एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। क्लास नहीं करोगे, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि वो सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके घर जाके पहुंचाएगा, दे डोंट हैव टू कम फॉर द सर्टिफिकेट। कोई हाँ हाँ वी आर स्टार्टिंग, अभी उसके बाद बताएंगे आपको। सो इट्स इनफैक्ट आपको भी इसलिए बता रहे हैं कि आप अवेयरनेस कराओ, द मेन मकसद दिस इज एंगेजमेंट, कि आप इसको प्रोपोगेट करोगे, हम जितना मर्जी बिहेवियर, तो देखिए बिहेवियर तो एवरी डेफिनेटली आई एग्री, बिहेवियर इज वन थिंग विच हैज टू बी इम्प्रूव्ड, एंड बिहेवियर शुड इम्प्रूव इन सोसाइटी इन जनरल, एंड इट विल बी डेफिनेटली बी रिफ्लेक्टेड इन द पुलिस। बट जो यूनिफॉर्म सर्टिफिकेट है भाई, कन्हैया सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जो उनको हम दे रहे हैं, वी आर ऑनरिंग एवरीवन। अब जैसे कम्युनिटी इन्वेजन पटियाला फाउंडेशन में लास्ट ईयर यू सॉ द चीफ मिनिस्टर हैड इन चिल्ड्रंस चलान बुक, अब बच्चों को हम कह देते हैं चोर पुलिस खोलो, अब बच्चे चोर पुलिस खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, व्हाई नॉट लेट देम एक्ट एज अ ट्रैफिक पुलिस। अब ये पटियाला में इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल जो ये लॉन्च किया था, अब हम देखेंगे दूसरे जिलों में भी बच्चों को पकड़ा देंगे स्कूल में, जब जाएंगे अपने माँ बाप के साथ वो खुद ही चला नहीं छुकेंगे, पापा आपने ड्राइविंग लाइन, आपने ये सीट बेल्ट नहीं पहनी, अब पापा आपने ये नहीं की, इट्स अ पॉजिटिव एंगेजमेंट। इट्स बेसिकली जो मैम ने अभी क्वेश्चन किया, इट इज अ पैसिव लर्निंग, हम चिल्ड्रन को एक्टिव यूजर नहीं बना रहे कि आप सड़क पार करो, बट हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना रहे हैं, और वो हमारे एक्स्ट्रा हैंड हो जाएंगे, मतलब पुलिस फोर्स तो काम कर रही है लेकिन सोसाइटी जो एंगेजमेंट हमारा फोकस है, मीडिया एंड ए सोसाइटी, वो भी इसमें पार्टिसिपेटरी की तरह काम करेंगे। सो दैट वाज द आइडिया कि बच्चे ही जब पेरेंट्स को बोलेंगे पापा आपने सीट बेल्ट नहीं डाली है, वो खुद तो रिस्पॉन्सिबल बन ही रहे हैं,
बट वो सबसे बड़ा डेटरेंट है, पुलिस के कहने से पहले ही घर से ही आपका शुरू हो जाएगा. एंड बच्चे ना, बच्चे दे वेरी नैगिंग, जैसे मेनी पीपल से ना द वाइफ्स आर नैगिंग, चिल्ड्रन आर वेरी नैगिंग. अगर उनको इस काम में लगा दो ना, दे विल बी वेरी इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर्स विद देयर पेरेंट्स. एंड देन यू नो इट्स अ सेंस ऑफ बेसिकली सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड सेंस ऑफ एम्पावरमेंट. बच्चों को लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, उनमें सेंस ऑफ पावर आता है कि मैं चलान बुक इशू कर रहा हूँ. बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजी को उसकी तरफ से सोचना चाहिए, हमारी तरफ से नहीं. अरे क्या है चलान इशू कर देगा तो क्या, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे के लिए. अब इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट भी जो होती है, देखो सोशल मीडिया में जाओगे तो कम्युनिटी के अंदर जाके एक टैब आएगा, उसके टैब आएगा, उसके नीचे आके पुलिस है. तो जब आप जाओगे फेसबुक के पेज में किसी में, सबसे ऊपर मोस्ट प्रोमिनेंटली पुलिस का टैब होगा, और उस पुलिस के टैब में मोस्ट प्रोमिनेंट फीडबैक का टैब होगा. तो एंगेजमेंट का पर्पस यही है कि यू नो, मतलब जो आप बता रहे हो उसी को लेके पटियाला नहीं, उसका टैब अलग होगा, ऊपर ही होगा पुलिस की. तो एक सबसे आगे बटन होगा, और उस बटन को दबाओगे तो सबसे पहला बटन फीडबैक का होगा. नहीं अभी पता क्या, वो गुम गया अंदर कम्युनिटी के अंदर. जाओगे कम्युनिटी के अंदर कुछ नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा आपको वो. हम बाहर आगे 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 जाके पटियाला में आप फीडबैक दे सकते हो. जो हाउ वी रिड्यूस रिपोर्ट पेज की थी सर, मेन साइलेंट फीचर किया कि ना, कितना फायदा है मेन रिपोर्ट. इधर मैं थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दसना चाहूँगा कि जो 2016 च एक्सीडेंट फिगर सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किए थे, तो पंजाब के जो रोड एक्सीडेंट्स की डेथ की फिगर थी सब तो हाई थी, मैक्सिमम इनक्रीज इन द डेथ रेट. तो इनू असी एक चैलेंज एक्सेप्ट करके असी सोचा कि असी क्यों ना इनू साइंटिफिक एनालिसिस करके अपने वास्ते एक बेंचमार्क सेट करिए कि असी हिंदुस्तान पहला तो सब तो वध डेथ रेट असी टॉप किया, असी सब तो ज़्यादा डिक्रीज लिया के उधर ट्रेंड रिवर्स करिए. असी डिसेंट्रलाइज साइंटिफिक थिंकिंग करके डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा कलैक्ट किया, 10 साल का रिकॉर्ड चैक किया कि किहड़े जिले च किहड़े महीने च किस कारण करके डेथ होंदी है, कम्यूनिटी नू इंगेज करके, पब्लिक नू इंगेज करके, साइंटिफिक एनालिसिस नू करके. 2017 च नू खुशी होगी तुहानू ये जान के कि असी इहनू रिकॉर्ड 16% डिक्रीज ते लिया, जो कि हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है और पंजाब का भी 10 साल का रिकॉर्ड है. नैक्सट चैलेंज साडा ये है कि आज जो ट्रेंड है इनू 1 ईयर का ट्रेंड ना रख के असी 10% एवरी ईयर इसनों डेथ रेट को डिक्रीज करने का उपराला चकीए. कम्यूनिटी नू इनवॉल्व करिए, असी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया हुआ 3 यूनिवर्सिटीज़ का, जिहड़े कि ब्लैक स्पॉट एनालिसिस करनगे, क्यों डेथ के कारण होंगे वो एनालाइज करेंगे. और इलेक्ट्रॉनिक्स नू मैक्सिमम यूज़ करना इनफोर्समेंट है, जिस तरह ई चलानिंग करनी होवे, दैन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एम ऐप मोबाइल ऐप्स लेके ट्रैफिक इनफोर्समेंट करना, पब्लिक तो फीडबैक लेना, ड्रोन्स नेक्स्ट स्टेज पे ड्रोन्स भी आऊगा जो सर्विलेंस करके रियल टाइम ट्रैफिक एनालाइज करके और किवें ट्रैफिक सुचारू तरीके चलाया जा सके, ये साडा उपराला है. मेजर कॉज इज बेसिकली ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग. रोड इंजीनियरिंग इज ऑल्सो मेजर इशू, एंड सिंस इट डजेंट डायरेक्टली कंसर्न विद द पुलिस डिपार्टमेंट, वी हैव टोल्ड ऑल द डिस्ट्रिक्ट कि तुम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो कितने कितने थोड़ी प्रॉब्लम्स आदि हैं. डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसल्स रोड सेफ्टी कमिटीज़ होंगी है जी, डिफंक्ट सी उन्होंने एक्टिवेट करके डीसी साहब न PWD के महकमे वालों कह के असी इंजीनियरिंग की काफ़ी प्रोजेक्ट्स पिछले सॉल्व साल को सॉल्व किए हैं, तो इस साल असी ये ट्रेंड अगे करा. सर झूठ काफ़ी वायलेंट रहा है, एक मोटरसाइकिल क्या चल रखा है, कुछ इस तरह का कुछ उन्होंने सोसायटी में जोड़ने वास्ते सोसाइटी में जोड़न वास्ते असी वैबसाइट भी स्टार्ट कर रहे हैं. एजुकेशन कैंप्स तुसी हैरान हो गए, पिछले साल असी 6000 कैंप्स किए थे जो कि 2016 2000 भी नहीं सी. तो इस नू ट्रेंड नू होर अगे करके वैबसाइट पर असी होर पब्लिक नू इंगेज करेंगे. सर यूथ खास करके टीनेजर जो वैसे मोटरसाइकिल 3-4 लोग चलाते रहे हैं, यूथ नू करन वास्ते भी अगेन आई एम सेलिंग वील यूज NGOs, वील यूज कॉलेजेस. असी कॉलेजेस दे विच जिहड़ी अपनी आउटरीच है उन्हों इनक्रीज कर रहे हैं, एंड बड़ी जल्दी असी एक ट्रैफिक द मैस्कॉट भी तैयार करांगे, ओदे थ्रू पब्लिक नू इंगेज करांगे. सर एक्सीडेंटल केस दे विच अगर कोई किसी दी हेल्प करदा तो ओदे की तुसी दस रहे हो ओदे वास्ते? एक्सीडेंट वास्ते तुसी खुश हुए होगे कि असी पहली बार हिंदुस्तान दे विच बाइक कन्हैया सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है. असी कह तो दिंदे कि पुलिस तुहानू तंग नहीं करूगी. जिहड़ा भी इंसान किसी एक्सीडेंट विक्टिम नू लेके हॉस्पिटल जाता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, पुलिस वालों उन्होंने भाई कन्हैया सर्टिफिकेट दिता जाऊगा. और जिन्होंने उन्होंने तो भी वधिया काम किया होवे उन्होंने CM साहब तो 15 अगस्त से 26 जनवरी सम्मानित किया जाएगा. 2016-2017 का जिहड़ा मोटा मोटा मैं कह रहा, क्योंकि जिहड़े एक्सीडेंट डेथ रेट्स हैं ये बेसिकली होंगे बिकॉज ऑफ नॉन इनफोर्समेंट ऑफ सीट बेल्ट,
मोबाइल फोन यूजर्स, हेलमेट, ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग एंड रेड लाइट जंपिंग, तो तुसी खुश होगे कि सारे कैटेगरीज असी जिहड़ा चलान है ना उहदा डबलिंग कीती है। हाँ, जैसे हेलमेट ड्राइविंग है, इट वॉज 80,000 सीगा 2016 च, एक 1,80,000 के करीब असी लिया है। मोबाइल फोन यूजेज वॉज अराउंड 16,000, उन्होंने असी 30,000 तक ले गया उहदी चलानिंग। सीट बेल्ट वास्ते भी इसी तरह डबल हुई है एंड विदाउट लाइसेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह बच्चे चलान बच्चे ले जाते हैं जिन्हें को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो 1,60,000 के करीब चलान हुए थे 2016, इस साल 3,20,000 से। हाँ, और इक्विपमेंट की जरूरत है, हमारा रोड सेफ्टी फंड इस साल हमें मिल जाएगा, करीब जो 50% ऑफ द चलान अमाउंट होंगे है वो सरकार रोड सेफ्टी काउंसिल के डिस्पोजल च रख दूगी एंड वी वोंट हैव टू डिपेंड ऑन फंड्स ऑन मॉडर्नाइजेशन। साढ़े अपने फंड्स होंगे जो असं आप जनरेट करते हैं, वो फिर असी स्पीड इंटरसैप्टर्स हैं, एनकोमीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, असी उन्होंने होर वे पद्धर से असी खरीदने की कोशिश कर। महसूस करते रीसेंट हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत है कि कोई मोबाइल चलाता है लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। वी डोंट हैव इट हियर, बट देन एजुकेशन, मेरा ये मानना है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग ऑफ इन्फोर्समेंट, पार्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, क्योंकि देखिए सारे नु पता होंदा कि रेड लाइट नहीं जंप करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलना है, हेलमेट पा के चलना है, सीट बेल्ट लानी चाहिए, ये तो बच्चे बच्चे नु पता है, बट असी करते नहीं है। तो जागरूकता ताई होगी जब असी डाटा पेश करके उन्होंने दसांगे, असी वैबसाइट पर सारा डाटा अपलोड करांगे कि आ देखो ये नतीजे आ हो सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਲ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਬਟ ਦਿਸ ਈਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਫੋਰ ਹੈਲਮਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡ ਸੀਟ ਬੈਲਟ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਤੀ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਅਪ ਵਿਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ कि वी नीड मोर सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रैफिक एंड द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। लास्ट ईयर एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट इट केम अराउंड 42-43 crores, क्योंकि वह अधा जो इस साल असी सरकार को कहा कि अराउंड 21 crores बनता है करीब, वो रोड सेफ्टी फंड से आ जाएगा। 12 पीपल, हाँ, पेपर सर्कुलेट किया 12 पीपल आर डेथ, यानी इसमें बेसिकली आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, 14 था 12 कर दिया, मतलब लास्ट 16 में इट वाज अ 14 डेथ पर ईयर। ये जो ग्राफ है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस ग्राफ शोज कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमने सबसे स्टीपेस्ट डिक्लाइन एक साल में किया और 10 साल में सबसे ज्यादा हमने जो डिक्लाइन किया, 10 इयर्स में भी इट्स द लोएस्ट एंड 1 ईयर का भी इट्स द लोएस्ट एनीवेयर इन द कंट्री। और रीजन भी देखो, कई बार हम कहते हैं कि द लोकल कंडीशंस आर डिफरेंट, बट रीजन में लोकल कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फॉर द सेम से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, ये एक रीजन माना गया है फॉर रोड सेफ्टी, इसमें भी वी आर द मैक्सिमम डिक्रीज इन रोड डेथ्स हमने इसमें ली है। ये तो छोटा डाटा हमने आपको सबको सर्कुलेट किया है कि मेजॉरिटी तो हमारी नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज सबसे ज़्यादा है और उसी में एक्सीडेंट होती हैं। अब इसको फिर हमने जैसे मंथ वाइज रोड फैटलिटीज एनालाइज की थी कि क्यों, कौन से महीने में ज़्यादा होती, कब होती है। आप देखोगे कि जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होती तब ज़्यादा फॉग हो रही होती है, फिर इस जो अभी महीना चल रहा है इसमें ज़्यादा इसलिए होती है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, वो भी हमारे मंडियों में आता है। वल्नरेबल पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट, यानी जो पैदल चलते हैं, हमारे यहाँ राइट ऑफ वॉकिंग तो है ही नहीं, यानी जो सड़क में चल रहा है, आप छोटे छोटे कंट्रीज में चले जाओ, मैं श्रीलंका भी गया था, अगर कोई गलती से भी अगर सड़क पर आ जाए तो आई मीन ऑल द व्हीकल्स विल स्टॉप। हमारे यहाँ ये नहीं सोचते, पता नहीं सड़क वाला कहाँ से बीच में है, ये कहाँ से आ गया, why is he using the road, जबकि even he has the right to use the road। Vehicle growth भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, because prosperity हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। करीब 1 crore गाड़ियाँ हैं as on today registered, total registered vehicle, it's a cumulative, like जब से registration शुरू हुई है तब से, like आप actually देखेंगे तो 50% होंगी, क्योंकि जो 2000 की registered गाड़ी है वो सड़क पे अभी नहीं होगी। We're talking about 4-wheelers. No, everything. All total. 2-wheelers, commercial vehicles. 75% are the 2-wheelers. जितनी पंजाब में गाड़ियां हैं, ratio wise देखा जाए, तो 75% हमारे पास 2-wheelers हैं. Total 1 crore. Approximately 1 crore. 98 crore था जो सर ने अभी slide दिखाई है आपको. 2016 और 17 का भी आया, मार्च का. ये आप देख सकते हैं, 98 crore
98,57,000। अब हमें ये पता लगा, जैसे जितना मर्जी कह दो किसी को कि अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम है उसको आप लेके जाओ हॉस्पिटल में, तंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, पीपल डोंट बिलीव उसके लिए। तो व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, हमने लॉन्च किया कि भाई कन्हैया सर्टिफिकेट हम देना शुरू करते हैं। तो जब आप किसी को पुलिस ही बुला के सर्टिफिकेट देगी कि आपने इस इंसान को लेके इस तारीख को आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एनी पुलिस हैज़ डन इन इंडिया, उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। दिस ईयर वी आर गोइंग टू सी टू इट दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर इम्प्लीमेंटिंग इट। और चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके वी हैव ऑलरेडी सेड कि जो इनमें से बहुत ही कमेंडेबल होंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी, इतने लोग सम्मानित होते हैं जिनको हम देते हैं, तो वी विल इंक्लूड एवरी पर्सन हु इज सेविंग अ लाइफ, उसको चीफ मिनिस्टर सम्मान करेगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को। दिस इज वन वे ऑफ इनकरेजिंग पीपल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कि आप जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको आप हेल्प करके उनको लेके जाओ। हम विद दिस डाटा, ये सर राइज हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। देन आई यूज टू कॉल द मीटिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स कि क्यों नहीं है सर, तुम्हारे यहाँ पता लग रहा है, एंड वी कुड डू इट। ट्रैफिक पुलिस एकेडमी एक हमारे पास फिलौर में, दैट वाज डिफंक्ट, उसको भी करके हमने मैसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स वहाँ पे स्टार्ट किए, इसमें बाद में दिखाएंगे। उसका रिजल्ट ये था, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लास्ट ईयर द डेथ रेट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स वॉज द मिनिमम 15.7, ऑलमोस्ट 16% नीचे आ गई। 22 में से 21 डिस्ट्रिक्ट्स दे रिकॉर्डेड अ मैक्सिमम डिक्रीज, और सारे 12 महीने, ये तुक्का नहीं था। कई बार होता है कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसमें 400 लोग मर जाते हैं, अगले साल कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपके फिगर कम हो गए तो आपके स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हो गए, ऐसा नहीं था। एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी मंथ शोड अ डिक्रीज विच कैनॉट बी अ फ्लूक, विच हैज टू बी साइंटिफिक। अब देखिए, अब जैसे हमने किया था ना 2016 में इनकी मैपिंग कर दी, कुछ रेड एरियाज थे, कुछ ऑरेंज एरियाज थे, कुछ येलो एरियाज थे, डिपेंडिंग अपॉन द डेथ रेट। फिर हमने सबको बुला के उनको कहा, जो भैया लाल में है यू बेटर शिफ्ट टू द ऑरेंज, जो ऑरेंज में है यू बेटर शिफ्ट टू द येलो, सो दैट यू हैव ग्रीन इज द आइडियल, बट वी कुडंट गेट एनी ग्रीन बिकॉज दैट इज जीरो एक्सीडेंट रेट, ऑलमोस्ट नियर जीरो एक्सीडेंट, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड यू विल सी दैट एक्सेप्ट फॉर मोहाली ऑल ऑफ देम इम्प्रूव्ड। जो ऑरेंज थे वो येलो में आ गए, जो येलो थे उनकी भी डिक्रीज हुई, वो येलो में रहे, और रेड जो थे वो ऑरेंज में आ गए।